खबर वाराणसी जनपद से, जहां मिर्जा मुराद होमी भामा कैंसर हॉस्पिटल, पंडित मदन मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी लोक समिति व आशा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री ग्राम नागेपुर में गुरुवार को निःशुल्क कैंसर विरोधी जांच शिविर का आयोजन किया गया। गांव के लोक समिति आश्रम में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाँच केंद्र पर आयोजित जांच शिविर में 265 महिलाओं को मुख, स्तन व गर्भाशय कैंसर की जांच की गई। महिलाओं को जरूरी दवा देकर इस बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर तुरिका श्रुति ने कैंसर रोग के बढ़ते प्रकोप एवं से बचाव के उपाय पर बोलते हुए कहा कि देश में प्रत्येक वर्ष कैंसर के नए रोगी चिन्हित हो रहे। पुरुष कैंसर रोगियों की संख्या 39% है तो महिला कैंसर रोगियों की संख्या 61% हो गई है। लोगों में जागरूकता लाकर ही कैंसर से निजात दिलाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को खान पान और रहन सहन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि महिलाएं खासकर स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की चपेट में आ रही हैं। इसका मूल कारण महिलाओं में इस बीमारी के प्रति जागरूकता और इलाज का अभाव है। महिलाओं को कैंसर बीमारी के प्रति जागरूकता एवं जाँच को लेकर कैंप लगाया गया है। जाँच शिविर में मुख्य रूप से डॉक्टर तुलिका श्रुति, मोनिका राय, प्रीति पाल, सिमी यादव, ज्योति, आशा त्रिपाठी, अनमोल दुबे, संजय शर्मा, सौरभ पूजा ग्राम प्रधान, मुकेश कुमार, सोनी पंचमुखी, अनिता आशा ग्राम प्रधान, मुकेश कुमार ने आयोजकों के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन सोनी ने किया। मैडम कल ने आवा के टाइम के हम लोग आ पाई, हम 10-12 जने के अपने घर से लिया के आए हैं। तब पे हो जा तक चली कराए बस कराया यार, भाई गाड़ी से जो खाली हो चुका है वही से पूछ लो, कोई गाड़ी वाला खाली हुआ है? अभी नहीं बढ़ते क्या कर फोटो ये लेते और जानना चाहते हैं।